हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फोर्थ सेक्शन एंड दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स। इस कैटेगरी के अंदर हम तीन मेन रिएक्शंस देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड हम देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन और थर्ड हम देखेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। इन तीनों के अंदर जो लास्ट टू है वो बहुत ईजी भी है, हम पहले देख भी चुके हैं और वो काफ़ी छोटा सेक्शन है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन काफ़ी 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 वाइड है। और हम इस रिएक्शन को जब स्टार्ट करेंगे तो हमारे फर्स्ट टू और थ्री लेक्चर्स तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स को समझने में ही चले जाएंगे, लेकिन उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी सेक्शन के अंडर आएगा SN1 SN2 रिएक्शंस। और SN1 SN2 रिएक्शंस पर एवरी ईयर बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटेटिव के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। तो हम अपनी बात को शुरू कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। अब नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में भी आपको आइडिया देना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है वो भी आपको बताना पड़ेगा, और उसके अलावा भी इस कैटेगरी में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी देखेंगे। अब क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमें देखना है तो हमें उसके सारे की पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। तो हम अपनी बात को स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट से ही शुरू करेंगे, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर हमारी सारी बात होगी। ओके, जैसे मैं एक आपको आइडिया तो दे देता हूं, उसके बाद हम शुरू करते हैं अपनी बात। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स, फाइन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स, इसी के अंदर मतलब केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स जो मेन टॉपिक है वो तो अल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स का है, लेकिन हमने स्टार्टिंग में जो डिस्कशन करना है वो हमें डिस्कशन करना है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। नोटिस कीजिएगा, अल्काइल हैलाइड्स मतलब हमारी जो अभी जो हम डिस्कशन करेंगे उन सब में हमारे एल्किल ग्रुप्स होंगे, अराइल ग्रुप नहीं होंगे। मतलब एरोमेटिक रिएक्शंस अभी हम नहीं देख रहे, अभी हम एलिफेटिक रिएक्शंस देखेंगे, अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शंस देखेंगे, राइट? तो ये हमारी मेन हेडिंग हो गई। उसके अंदर हम तीन टाइप के रिएक्शंस देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस और रिएक्शन विद मेटल्स। मैं आपको सारा इंट्रोडक्शन तो इनके बारे में दे ही चुका हूं। अब हम जो अपनी बात को शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। तो सबसे पहली रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसके अंदर भी हमारी बात शुरू होगी स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट से, करेक्ट? अब स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स क्या है, मतलब कि जो भी रिएक्शन अभी हम इसके अंदर देखेंगे डिस्कस करेंगे स्टीरियोकेमिकली भी हमें उनके ऊपर बात करनी पड़ेगी। अब स्टीरियोकेमिकली क्यों बात करनी पड़ेगी, देखिए स्टीरियोकेमिकल मतलब एक तरह का आइसोमेरिज्म होता है, आपने अच्छे से सुना होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो पार्ट होते हैं, ये भी आपको ध्यान होगा, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो यहां पे हम फोकस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को, और SN1 SN2 रिएक्शंस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का काफी 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 इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसीलिए वहां तक पहुंचने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स पढ़नी होगी, फाइन? तो उन टर्म्स को स्टार्ट करें, उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, उससे शायद आपको समझ में आ जाए कि ये जो सेक्शन अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों है। बात है 1957 से 1962 के बीच की। काफी सारी प्रेग्नेंट वुमेन को मॉर्निंग सिकनेस को ट्रीट करने के लिए एक ड्रग दिया गया था, उस वक्त ड्रग का नाम था थैलिडोमाइड। इस ड्रग का रिजल्ट यह हुआ कि इन वुमेन ने 10,000 डिफॉर्म्ड बेबीज को बर्थ दिया। अब क्वेश्चन इज, ऐसा इस ड्रग में क्या था कि इतना नुकसान हुआ कि मोर देन 10,000 और नियर बाय 10,000 डिफॉर्म्ड बेबीज हुए। रिसर्च में सामने आई बात यह कि जो ड्रग दी जा रही थी, इस ड्रग के दो आइसोमर्स थे जो कि दोनों साथ दिए जा रहे थे, दोनों आइसोमर्स साथ एग्जिस्ट करते थे, डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहे थे क्योंकि उनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम था, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम था, उनका नेम भी सेम था, अंतर तो था उन आइसोमर्स में, वो था थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट का। और इसी थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट की वजह से ये दो टाइप के आइसोमर्स होते हैं, एक आर फॉर्म और एक एस फॉर्म, जो कि हम अभी आगे देखेंगे। इन दोनों फॉर्म्स में से जो कि ड्रग में प्रेजेंट थी, उसमें से जो आर फॉर्म थी वो तो इफेक्टिव ड्रग थी मॉर्निंग सिकनेस को ट्रीट करने के लिए, लेकिन जो एस फॉर्म थी वो काफी टॉक्सिक थी और उसी का रिजल्ट इतनी सारी डिफॉर्म बेबीज था। उसके बाद रिसर्च में ये सामने आया कि इन दोनों में से, यानी कि दोनों का जो मिक्सचर दिया गया, जैसे हम रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं, इट सारी टर्म्स अभी अंदर आपको क्लियर होगी। तो जो ड्रग दी गई थी एक्चुअली वो ड्रग में आर और एस दोनों फॉर्म प्रेजेंट थी। मैं फिर कह रहा हूं दोनों फॉर्म में स्ट्रक्चर सेम होता है, उनका नेम भी सेम होता है, सिर्फ थ्री डायमेंशनल स्पेशल अरेंजमेंट में अंतर होता है, लेकिन इस अंतर की वजह से हमारी ह्यूमन बॉडी पर कितना फर्क पड़ा उसका रिजल्ट अभी आपने देखा।
तो बाद में ये बात साबित हुई कि हमें केवल एस फॉर्म को रोककर केवल अगर हम आर फॉर्म दी जाती तो ये प्रॉब्लम ना आती। इसी वजह से ये बहुत जरूरी होता है ये पहचानना कि अगर आपके सामने कोई ऑप्टिकल आइसोमर्स है तो उनमें से कौन सी आर फॉर्म है, कौन सी एस फॉर्म है। अगर दोनों साथ है तो उन्हें सेपरेट करना भी बहुत जरूरी है, पहचानना भी बहुत जरूरी है कि दोनों फॉर्म साथ में है या नहीं है या कोई एक ही फॉर्म है। ये सारी जो केमिस्ट्री है, ये सारी केमिस्ट्री आपको जब मैं ये कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स, तो इन सब चीजों के जवाब आपको धीरे 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 मिलने लगेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने इन कॉन्सेप्ट्स को शुरू करते हैं और धीरे 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 आपको सारी बातें एक एक करके समझ में आ जाएंगी। ओके, देखिए सबसे पहले हम इस सीरीज में डिस्कस करते हैं ऑर्डिनरी लाइट। देखें अब क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑर्डिनरी लाइट। देखिए बात जो मैंने आपको बताई वो कुछ और थी, मैं जैसे स्टार्ट करूं ऑर्डिनरी लाइट तो आपको लग रहा है ये क्या कनेक्शन बैठेगा लाइट का उस चीज से, लेकिन बिल्कुल इनका कनेक्शन बैठेगा, धीरे 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 आपको समझ में आ जाएगा। तो हम अपनी बात को शुरू करते हैं ऑर्डिनरी लाइट से। देखिए ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है, ऑर्डिनरी लाइट सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे सनलाइट है, राइट। वो लाइट जो जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में उसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हो, करेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की डेफिनेशन भी आप अच्छे से जानते हैं, राइट। यानी कि लाइट का जो प्रोपगेशन किसी एक्स एक्सिस में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका वाई एक्सिस में और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में, करेक्ट। आप ऐसे भी सोच सकते हैं जैसे कि एक बहुत तेजी से एक कार मूव कर रही है, बहुत तेजी से मूव कर रही है और उसमें से कुछ वाइब्रेशन इस तरीके से उठ रहे हैं कि एक तो जो उसकी रूफ है वहां से वाइब्रेशन उठ रहे हैं और एक उसके जो डोर्स हैं उसकी तरफ से वाइब्रेशन चल रहे हैं, और कार किस तरफ चल रही है, सीधी चल रही है। तो जो कार बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है तो प्रोपगेशन ऑफ द वेव हो गया, और जो ऊपर नीचे वाइब्रेशन हो रहे हैं रूफ से, करेक्ट, ये एक फील्ड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जो कि 90 डिग्री पर है। ये देखिए मूवमेंट यू है और ये यू चल रहा है, करेक्ट। और जो दूसरा फील्ड है वो डोर्स के थ्रू है, तो आप यू सोच लीजिए, देखिए ये भी इसके बिल्कुल 90 डिग्री है, यू चल रही है और ये यू चल रहा है, करेक्ट। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है इसका जो प्रोपगेशन होता है उससे 90 डिग्री पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं, और या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि ऑर्डिनरी लाइट वो लाइट होती है दैट हैज ऑल इट्स वाइब्रेशंस इन ऑल डायरेक्शन, या दैट हैज वाइब्रेशन इन ऑल डायरेक्शंस। वो सभी डायरेक्शंस में उसके वाइब्रेशंस होते हैं, उसके मूवमेंट होते हैं, पर वो सभी के सभी मूवमेंट प्रोपगेशन के 90 डिग्री पर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। देखिए यहां पे डेफिनेशन भी लिखा है, द लाइट विच हैज ऑसिलेशंस इन डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ प्रोपगेशन इज कॉल्ड ऑर्डिनरी लाइट, फाइन। अब एक लाइट होती है जिसे हम कहते हैं PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखिए अब इस ऑर्डिनरी लाइट को मैं कुछ ऐसे सब्सटेंस में से पास करूं, जिस सब्सटेंस से पास होने के बाद ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन जाए, मतलब कि इसके जो सभी डायरेक्शन में प्रोपगेशन थे वो खत्म हो जाएं और किसी एक प्लेन में इसके ऑसिलेशंस रह जाएं, मतलब कि अभी सारे प्लेन्स में थे लेकिन अब सब कट कर किसी एक प्लेन में अगर इसके प्रोपगेशन आ गए तो हम इस लाइट को कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यानी ऑर्डिनरी लाइट को जब आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करते हैं तो इस फिनोमेना को कहते हैं पोलराइजेशन, करेक्ट। नेचुरली भी ये होता है और मैनुअली भी किया जा सकता है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। मैं फिर बोलता हूं, ऑर्डिनरी लाइट जिसके ऑसिलेशन सभी प्लेन्स में है और प्लेन पोलराइज्ड लाइट जिसके ऑसिलेशन सिंगल प्लेन में होते हैं उसे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। देखें जरा वो भी लिखा हुआ है, द लाइट विच हैज ऑसिलेशन इन सिंगल प्लेन परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ प्रोपगेशन इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। नाउ द क्वेश्चन इज ये करा कैसे जा सकता है, कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है इसको, राइट। देखिए नेचुरली भी होता है और हमारे पास ऐसे मटेरियल भी होते हैं जिनके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। अब वो मटेरियल कौन से हैं, मैं एक इजी से एग्जांपल से आपको शुरू करता हूं। देखिए आपने पोलरॉइड का नाम सुना होगा, पोलरॉइड ग्लास का नाम सुना होगा, जो गॉग्स यूज किए जाते हैं, स्पेक्स यूज किए जाते हैं, उनमें पोलरॉइड ग्लासेस यूज किए जाते हैं। अभी पोलरॉइड ग्लास क्यों यूज करते हैं, तो जवाब एक ही आता है, बेटर विजन के लिए। बात बिल्कुल सही है, लेकिन सबसे ज्यादा पोलरॉइड ग्लासेस का यूज अगर होना चाहिए तो वो होना चाहिए बीचेस पर, या जो फिशरमैन होते हैं उनको यूज करना चाहिए, या जब आप ड्राइव करते हैं तब ये चीजें यूज होनी चाहिए। इसको लगाने से बेटर विजन कैसे आ जाता है, देखिए जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अर्थ की तरफ आती है और सरफेस से टकराती है, पानी के सरफेस से भी टकरा सकती है, रोड से भी टकरा सकती है, रोड से टकराने के बाद उसका पार्शियल पोलराइजेशन हो जाता है। वापस सुनिएगा, रोड से टकराने के बाद उसका पार्शियल पोलराइजेशन हो जाता है, मतलब उसके अंदर जो ऑसिलेशंस थे सभी प्लेन्स में से उसमें से कुछ ऑसिलेशंस कैंसिल हो जाते हैं और रिफ्लेक्शन में जब आते हैं तो हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशंस आपकी तरफ पहुंचते हैं। ये जनरली रिसर्च में पाया गया है, देखा गया है। तो सी वाटर से रिफ्लेक्ट होकर या किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर जब सनलाइट हमारे पास पहुंचती है तो उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैक्सिमम अमाउंट में होता है। जब हम पोलरॉइड ग्लासेस यूज करते हैं अपनी आंखों पर
तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट्स होते हैं या इस तरीके की शीट्स लगी हुई होती है जो हॉरिजॉन्टली आने वाली लाइट को रोक देती है और वर्टिकल लाइट को ही अलाउ करती है। तो शायद आप समझ गए होंगे कि लाइट की इंटेंसिटी पहले के मुकाबले पोलराइड एक तो कम कर देगा, क्योंकि उतनी लाइट इसमें से पास नहीं हो सकती जितनी की इसमें एंटर हो रही है, नंबर वन। नंबर टू, इसके अंदर जो अलाइनमेंट होता है वो वर्टिकल होते हैं, यानी कि इसमें से वो लाइट पास हो सकती है जो वर्टिकली अलाइंड है, और अगर लाइट आने वाली लाइट हॉरिजॉन्टली अलाइंड है तो इसमें से पास नहीं हो पाती। इस वजह से आपकी आई तक नहीं पहुंचती और आपकी आई पे उतनी ब्राइटनेस नहीं आती जिससे विजन आपका ठीक रहता है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, आप यहां पर देखिए, इसको देखिए ये एक लाइट सोर्स है, यह आप अच्छे से जानते हैं, अपने क्लास 11th में देखा था। ये एक फील्ड है, ये दूसरा फील्ड है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, और ये प्रोपगेशन है, करेक्ट। ये दो फील्ड आपको नजर आ रहे हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ये है आपका पोलराइजर, ये जो चीज लग रही है ना, ये पोलराइजर। ये निकोल प्रिज्म भी हो सकता है, आपने नाम सुना होगा निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म का भी काम यही होता है, और जो पोलराइड ग्लासेस होते हैं वो भी यही काम करते हैं। इन सबको हम कहां यूज करते हैं, ये कई जगह पे यूज होता है, माइक्रोस्कोप्स में यूज होते हैं, सन ग्लासेस में यूज होते हैं, ऑप्टिकल जहां क्लैरिटी आपको बहुत ज्यादा चाहिए वहीं पर हम इन चीजों को यूज करते हैं, फाइन। तो देखिए, तो जैसे ही ये इसमें से पास हुआ तो आप नोटिस कीजिएगा, यहां पे देखिए, करेक्ट। तो इसके अंदर वर्टिकल है लाइंस, करेक्ट। तो जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है, जैसे आप यहां देख सकते हैं जो ब्लू वाला पार्ट है, वो इसमें से पास नहीं हो पाया, लेकिन जो वर्टिकल पार्ट था वो इन जो फ्री जो जगह आपको मिल रही है, प्लेन्स जो ये आपको मिल रहे हैं, इसमें से पास होकर आगे चला गया। तो अगर आप नोटिस करें तो यहां पे दोनों कंपोनेंट थे, लेकिन यहां पे केवल एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट है, और ये जो लाइट कहलाती है, ये लाइट कहलाती है पोलराइज लाइट, या हम इसे प्लेन पोलराइज लाइट भी कह सकते हैं, करेक्ट। तो आपको बात समझ में आई होगी कि जो ऑसिलेशन थे वो सभी डायरेक्शन में थे, करेक्ट। आगे जब वो इसमें से पास हुए तो उसमें से जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वो रोक दिया गया, क्योंकि इसके अंदर ऐसा अरेंजमेंट है जो वर्टिकल कंपोनेंट को ही पास होने देता है। ये बिल्कुल यूं वर्टिकल चल रहा है, इसमें लाइंस भी देखिए वर्टिकल है, बीच बीच में स्पेस है, उसमें से पास होकर आगे चला गया। सेम ये जो चीज होती है, ये ग्लास में भी लगी हुई होती है, पोलराइड जो ग्लासेस होते हैं उनका भी काम यही होता है, करेक्ट। वो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को रोक देते हैं जो कि लाइट रिफ्लेक्टेड होकर आपकी तरफ पहुंच रही है सर्फेसिस से, राइट, और वर्टिकल कंपोनेंट को पास होने देते हैं। इसीलिए आपका जो विजन होता है वो वहां पे बहुत क्लियर हो जाता है। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है, खासकर फिशरमैन जो होते हैं या बीचेस पे जब ट्रेवल किया जाता है, घुमा जाता है, तब तो बहुत जरूरी होता है पोलराइड ग्लासेस को यूज करना, नहीं तो काफी ग्लेयर आता है। आपने सुना होगा चिल्का आता है आंखों में, ग्लेयर आता है काफी, राइट, उसको कम करने के लिए ही पोलराइड ग्लासेस यूज किए जाते हैं। ओके, नाउ तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो हमसे अगर पूछा जाए व्हाट इज ऑर्डिनरी लाइट, तो शायद आप जानते हैं, व्हाट इज प्लेन पोलराइज लाइट, वो भी आप जान गए, फिनोमेना दोनों का कन्वर्जन, ऑर्डिनरी को जब हम प्लेन पोलराइज में कन्वर्ट करते हैं तो दैट इज पोलराइजेशन, जिसकी मदद से आप मटेरियल की मदद से इसको आप करते हैं ये कन्वर्जन, दैट इज पोलरॉइड, और उसका एग्जाम्पल निकोल प्रिज्म, फाइन। तो ये जो चीज मैंने अभी आपको बोली वो यहां पर लिखी हुई है, फाइन। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट, पोलराइज लाइट, the process of transforming unpolarized light into polarized light is known as polarization, ho chuka hai, polarization can be done by using Nicol prism or polaroid sheets, theek hai, aisi kai sari sheets ko mila milakar hi polaroid glasses banaye jate hain, fine, chale, dekhiye, next, ab question is, abhi bhi aapko jo question maine abhi jab aati jo kahani sunayi thi uska jawab to abhi bhi aapko nahi mila, wo dheere dheere milega, sabse pehle ab hum aate hain third point par, ab hum discuss karne ja rahe hain asymmetric carbon, chiral carbon ya stereogenic carbon, तीनों का मतलब एक ही है, यानी कि एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज अगर अलग अलग ग्रुप से सैटिस्फाइड है तो उस कार्बन को हम काइरल कार्बन बोलेंगे, करेक्ट, असिमेट्रिकल कार्बन बोलेंगे या स्टीरियोजेनिक कार्बन बोलेंगे, और जिस मॉलिक्यूल में ऐसा कार्बन प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल को हम काइरल मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, करेक्ट। वो चीज यहां पर लिखी हुई है, तो द कार्बन एटम दैट इज अटैच्ड टू फोर डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड काइरल एटम, कार्बन एटम और असिमेट्रिकल कार्बन और स्टीरोजेनिक कार्बन। कुछ एग्जांपल्स की यदि हम बात करें तो एग्जांपल्स आपके सामने यहां पे हैं। अब आप इस एग्जांपल को गौर कीजिए और सोच के मुझे बताइए कि क्या ये काइरल है या नहीं है। तो आपने सोच लिया होगा कि जहां पर रेड डॉट लग रहा है वो सेंटर एक काइरल सेंटर है। कैसे कह सकते हैं कि वो एक काइरल सेंटर है? देखिए, Cl ये एक अलग ग्रुप है, CH3CH2 ये एक अलग ग्रुप हो गया, ये CH2CH2CH3 ये ग्रुप अलग हो गया, और यहां पे CH3 क्योंकि सिंगल छोड़ा हुआ है। तो ये इथाइल है, ये प्रोपाइल है, मिथाइल है, और ये Cl है, यानी कि ये जो कार्बन है ये कार्बन काइरल कार्बन है,
करेक्ट, स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कह सकते हैं आप इसे, या असिमेट्रिकल कार्बन भी कह सकते हैं, राइट right? क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड है ना। तो क्वेश्चन इज, या तो कार्बन तो बहुत सारे हैं, क्या ये कार्बन स्टीरियो सेंटर रखता है या ऑप्टिकली एक्टिव है, या हम ये कहें ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बोलते अभी, कहते हैं क्या ये कार्बन कायरल है? नो, इसमें तो तीनों एच एक जैसे जुड़े हुए हैं, तीन एच हैं, दो एच हैं, दो एच हैं, दो एच हैं, तीन एच हैं, तो बाकी कोई कार्बन कायरल नहीं है, केवल यही कार्बन कायरल है। तो सबसे पहले तो आप कायरल कार्बन पहचानना आपको सीखना है। सेकंड एग्जांपल देखिए जरा, सेकंड एग्जांपल में यदि हम बात करें तो क्या ये भी कायरल है? एक बार चेक करते हैं, CH3CH2, ये ग्रुप एक अलग हो गया, ये CH3, ये दूसरा ग्रुप हो गया, Br, ये तीसरा ग्रुप हो गया, और जब कुछ नहीं होता तो एक H होता है, यानी कि यहाँ पे भी चारों ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए ये भी कार्बन कायरल कार्बन है। थर्ड में देखते हैं जरा, क्या ये भी कायरल है या नहीं है, चेक करेंगे, CH3CH2CH2CH3 कार्बन CH3, डिफरेंट ग्रुप बट सेम ग्रुप, ये दोनों सेम हो गए, तो सारी वैलेंसीज जो है वो अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड नहीं है, दो जगह पे सेम चीज आ गई, इसलिए इसमें कायरल कार्बन नहीं है। कोई और कार्बन देखे तो वैसे जस्टिफाई जाए कि तीन है, दो एक जैसे हो गए, ये दो एक जैसे हो गए, ये तीन एक जैसे हो गए, तो ये तो हो नहीं सकते थे, और ये भी नहीं है क्योंकि इस पे ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों सेम है। यानी जिस भी कार्बन के ऊपर आप बात करते हैं बस उसकी चारों वैलेंसीज पे देख लीजिए क्या जुड़ा हुआ है, तो इसकी वैलेंसी पर ये पूरा ग्रुप देखेंगे, इसकी वैलेंसी पे ये पूरा ग्रुप देखेंगे, ये पूरा और ये पूरा, तो इस हिसाब से ये कायरल नहीं है। तो इन तीन मॉलिक्यूल्स में से दो मॉलिक्यूल कायरल है। क्वेश्चन इज, कायरल होने और ना होने से क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, अभी आपको आगे समझ में आएगा। नाउ अब देखिए, जो बात मैंने बोली वो यहां पे भी लिख दी गई है, द मॉलिक्यूल हैविंग कायरल कार्बन विल लैक सिमेट्री एंड इज कॉल्ड असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। जिसके अंदर कायरल कार्बन होते हैं उनमें किसी भी टाइप की सिमेट्री नहीं होती। नॉर्मली मॉलिक्यूल्स में सिमेट्री होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ऐसे कई सारी मॉलिक्यूल्स में सिमेट्रीज होती हैं। लेकिन अगर आपका मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल असिमेट्रिकल होगा, उसमें किसी भी टाइप की सिमेट्री नहीं होती। अब सिमेट्रिकल होना और असिमेट्रिकल होने से क्या फर्क पड़ता है वो एक एक करके धीरे धीरे चीजें आपके सामने आती जाएंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहां देखिए पहला पॉइंट, द असिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि अगर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसके अंदर असिमेट्री है, असिमेट्री मतलब उसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है, उसकी वजह से अगर उसमें असिमेट्री है तो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइज, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब लाइट के टुवर्ड्स सेंसिटिव होंगे, लाइट का उन पर कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा या उनकी वजह से लाइट पर कुछ फर्क पड़ेगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव से अभी सिर्फ इतना मान लीजिए कि जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होते हैं उनका लाइट से कोई लेना देना नहीं है, लाइट का उन पर और उनका लाइट पर कोई इंपैक्ट नहीं है। लेकिन अगर आपका मॉलिक्यूल असिमेट्रिकल है, कायरल कार्बन रखने वाला है, तो वो लाइट पर कुछ ना कुछ फर्क डालेंगे, इसीलिए इन कंपाउंड्स को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कहते हैं। अब क्या फर्क डालेंगे वो अभी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट, द मॉलिक्यूल विच आर नॉन सुपरइम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेजेस आर कॉल्ड कायरल मॉलिक्यूल्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कायरलिटी। अब क्वेश्चन ये कि चलिए हमने ये भी कह दिया कि कायरल कंपाउंड्स होते हैं, कैसे पहचाना? तो हमने कहा कार्बन की जो चारों वैलेंसीज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स अगर सेटिस्फाइड होती है तो हम उस कार्बन को कायरल कार्बन कहते हैं, करेक्ट। अब थोड़ा सा रिसर्च को और आगे बढ़ाया जाए, अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए, अब कौन कौन से कंपाउंड्स कायरल होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, मिरर इमेजेस क्या होती है, अब उनके ऊपर अपन बात करते हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम यहां पर एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। यहां देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास ये एक कंपाउंड है, यहां पे हम लिख देते हैं C2H5, यहां पे लिख देते हैं CH3, यहां पे लिख देते हैं H और यहां पे लिख देते हैं Cl, करेक्ट। अब आपसे पूछा जाए क्या ये कंपाउंड कायरल है, असिमेट्रिकल है, तो आंसर इज यस, क्योंकि यहां पे ये जो कार्बन है उसके चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड है, करेक्ट। नाउ नंबर वन, नंबर टू, अब अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाए, जैसे यहां Cl लगा देते हैं, यहां H लगा देते हैं, यहां CH3 लगा देते हैं और यहां पे C2H5 लगा देते हैं, ये इसकी मिरर इमेज है, सुनते जाइएगा, करेक्ट। अभी मैं आपसे कहूं इन दोनों मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर, तो आप कहेंगे बिल्कुल सेम है, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है। मैं कहूं IUPAC नेम लिखिए, तो IUPAC नेम भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आएगा, आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि C2H5 है मतलब CH3CH2, उसके बाद ये कार्बन है उससे एक H जुड़ रहा है, नीचे Cl है और ये CH3 है,
ये कायरल सेंटर हो गया। अगर इसका नाम दें तो 2-chloro-butane। सिमिलरली आप अगर इसको लिखें तो इसको भी आप ऊपर C2H5 को CH3CH2 लिख सकते हैं। फिर कार्बन है उससे Cl जुड़ रहा है CH और इसके आगे CH3, दैट इज ऑल्सो 2-chloro-butane, तो दोनों ही 2-chloro-butane है, राइट। क्या कोई डिफरेंस हो सकता है इनमें? IUPAC नेम सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, इसलिए IUPAC नेम भी सेम है, फिर भी ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। क्यों दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ सकते हैं। क्वेश्चन इज कैसे पहचानेंगे कि ये दो डिफरेंट कंपाउंड है? तो पहला तरीका पहचानने का ये होता है कि आप उसकी मिरर इमेज बना लीजिए। अगर इसमें कायरल सेंटर है तो यहाँ पे भी कायरल सेंटर है और ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। अब डिफरेंट कंपाउंड देने का सबसे पहला तरीका यही होता है कि आप उसकी मिरर इमेज बना दीजिए और ये बता दीजिए कि ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं वो डिफरेंट कंपाउंड हैं। कोई भी कंपाउंड आपको दिया जाए, अगर किसी एक में कायरल सेंटर है तो तुरंत आप ऐसा सोचिए कि बीच में मिरर लग रहा है और दूसरा कंपाउंड बना लीजिए और कह दीजिए कि ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। इन दो डिफरेंट कंपाउंड्स में मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, तो फिर डिफरेंस किस बात का है? IUPAC नेम सेम, डिफरेंस है 3-dimensional अरेंजमेंट का, और इस 3D अरेंजमेंट की वजह से काफी सारी प्रॉपर्टीज पे फर्क पड़ता है। तो पहला जो हम ये कह सकते हैं, जुगाड़ कह सकते हैं आप ये, कि कोई भी एक मॉलिक्यूल लिखा हुआ है और उसमें अगर आपको कायरल सेंटर नजर आ गया तो आप उसकी बिल्कुल मिरर इमेज बना दीजिए और जो मिरर इमेज उसकी आ रही है सामने वो और ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट आइसोमर्स है, और इन्हीं आइसोमर्स को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर्स आर दोज आइसोमर्स दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम IUPAC, बट डिफरेंट 3-dimensional अरेंजमेंट। बस इनका 3D में ही तो अरेंजमेंट चेंज है, और क्योंकि ये कंपाउंड्स लाइट के टुवर्ड्स काफी सेंसिटिव है या लाइट इनके टुवर्ड्स काफी सेंसिटिव है, इसीलिए इनको हम ऑप्टिकल आइसोमर्स भी बोल सकते हैं। तो अभी आपको जो सामने नजर आ रहे हैं ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, अभी हम डिस्कस करेंगे। सो ये जो दो कंपाउंड आपको नजर आ रहे हैं ये बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, लेकिन एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, और ये मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजिबल है। नॉन सुपर इम्पोजिबल कैसे है वो मैं भी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर मैं इसको यूं उठाकर इसके ऊपर रखूं तो C2H5 के ऊपर तो C2H5 आ रहा है, CH3 के ऊपर CH3 आ रहा है, लेकिन यूं उठाकर जब मैं यूं रखूंगा तो H के ऊपर CL आ रहा है और CL के ऊपर H आ रहा है। इसे कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजिशन। ये एक अलग तरीका है बताने का, जबकि इससे बेटर तरीका मैं आपको मॉडल के थ्रू बता सकता हूं। उसमें होता यह है कि अगर एक मॉलिक्यूल आपके पास है, उसकी जो भी मिरर इमेज आपके पास आ जाती है, उस मिरर इमेज को यदि आप 180 पर रोटेट करें तो वही वाला मॉलिक्यूल अगर वापस आ जाता है तो इसका मतलब ये सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है, और अगर वही वाला मॉलिक्यूल वापस नहीं आता तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है। देखिए हम ये दो एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर सेंटर वाला जो है वो कार्बन है, उसमें से चारों ग्रुप एक जैसे नहीं अटैच्ड हैं, ये दो एक जैसे हैं, ये दो डिफरेंट है, करेक्ट। यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ पे चारों ग्रुप एक जैसे नहीं है, दो डिफरेंट है और दो सेम है, ये दोनों डिफरेंट है और ये दोनों सेम है, मतलब चारों जो है उनमें से तीन तो डिफरेंट है, एक ये सेम है। अब मान लीजिए मैं इसकी मिरर इमेज बनाता हूं, अब आप मिरर इमेज देखिएगा, हम यू बना लेते हैं, यहां देखिए शायद आपको नजर आएगा कि ये मिरर इमेजेस है, करेक्ट। ओके नाउ ये मिरर इमेज है, मान लीजिए बीच में मिरर होता तो यही बिल्कुल आपको नजर आता। अब क्वेश्चन इज कि ये सुपर इम्पोजिबल इसको कहें या ना कहें, तो आप एक काम कीजिए, जो मिरर इमेज है उस मिरर इमेज को 180 का आप रोटेशन देंगे, 180 के रोटेशन देने पर अगर सेम मॉलिक्यूल आ जाता है तो इसे कहते हैं सुपर इम्पोजिबल, करेक्ट। तो ये यही ध्यान रखिएगा, ग्रीन आगे की तरफ है, दो वाइट पीछे की तरफ है, राइट। मैं इसको 180 का रोटेशन दूंगा तो ये यूं है, तो 180 पे ये यूं हो गया, करेक्ट। अब जब ये यूं हो गया तो मैं इसको वापस रख देता हूं और ये वैसा का वैसा यहां पे तो है ही है। अगर अब आप इन दोनों को देखें तो ये बिल्कुल सेम है, करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ ये मॉलिक्यूल सुपर इम्पोजिबल है, करेक्ट। अब बात करते हैं नॉन सुपर इम्पोजिशन की। नाउ यहां देखिए, ये देखिए, ये आपको बिल्कुल मिरर इमेज नजर आएगी, अगर बीच में मिरर लगा दिया जाए तो ये दो मिरर इमेजेस है। अब सुपर इम्पोजिबल है या नहीं है उसका पता लगाते हैं। इसको मैं यहीं रखूंगा, देखिए रेड आगे की तरफ है, करेक्ट, इसको यहीं रोक लेते हैं। अब इसको मैं 180 पर रोटेट करता हूं, ये 180 पर रोटेट कर दिया, वापस यहां पर खड़ा किया। अब हम ये चेक करेंगे दोनों को, रेड आगे की तरफ था, इधर देखिए तो यहां रेड आगे की तरफ है, यहां रेड आगे की तरफ है, सेम, ऊपर ग्रीन भी सेम, लेकिन आप गौर से देखिए ब्लू इस तरफ है जबकि इसमें ब्लू उस तरफ आ गया है, तो ये सेम नहीं आया, तो इसे कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो ये तरीका होता है पहचानने का सुपर इम्पोजिबल और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस को, राइट। नाउ अब यहां पे ऑन पेपर्स मॉडल तो आपके पास कभी होगा नहीं, राइट। तो ऑन पेपर्स इस तरीके से शो कर दिया जाता है कि एक आप कंपाउंड बना लीजिए, उसके सामने उसकी मिरर इमेज बना लीजिए और इसको नॉन सुपर इम्पोजिबल कह दीजिए क्योंकि इनमें कायरल सेंटर प्रेजेंट है, और अगर इनमें कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं होता तो हम इसको सुपर इम्पोजिबल कह देते। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहां देखिए, मान लीजिए ये CH3 होता, यहां पे C2H5 होता,
यहाँ पे भी CL होता और यहाँ पे भी CL होता, बीच में आप मिरर लगा देते। अब आप यहाँ देखते तो यहाँ CH3 होता, यहाँ CL होता, यहाँ CL होता और ये C2H5 होता। अब आप इसको यूं उठाकर इस पे रखते तो CH3 के ऊपर CH3, CL, CL और C2H5, तो ये सुपर इम्पोजिबल हो गया। करेक्ट, सुपर इम्पोजिबल हो गया। तो ये सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है। लेकिन जो बेस्ट तरीका होता है चेक करने का वो वही होता है जो मैंने अभी मॉडल्स के थ्रू आपको बताया। कोई भी एक मॉलिक्यूल लीजिए, उसकी मिरर इमेज सामने रखिए, उसको 180 पे रोटेट कीजिए। अगर सेम मॉलिक्यूल आ गया तो ये सुपर इम्पोजिबल है, और नहीं आया तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। लेकिन इसको करने से फायदा क्या है? बहुत बड़ा फायदा है। ऐसा करने से आपको ये पता पड़ जाता है कि आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या असिमेट्रिकल है। अगर उसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो रही है तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, वो हमारे किसी काम का नहीं है, राइट। और यदि वो मॉलिक्यूल में उसकी जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो मॉलिक्यूल असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, और उस मॉलिक्यूल के अंदर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आ जाएगी एंड दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं जो असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब क्वेश्चन इज असिमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्यों शो कर सकते हैं, लाइट के टुवर्ड्स क्यों सेंसिटिव हैं, और जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के टुवर्ड्स क्यों इतने एक्टिव नहीं है या एक्टिविटी क्यों शो नहीं करते, इसका भी जवाब धीरे धीरे मैं आपको आगे दे दूंगा। सबसे पहले तो अभी आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि कायरल कार्बन होता है। कायरल कार्बन ऑन पेपर्स अगर आपका स्ट्रक्चर बने तो देख के पता पड़ जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, अगर स्ट्रक्चर आपके पास है, मॉडल भी आपके पास है, तो मॉडल के थ्रू आप ये भी पता लगा लेंगे कि समझाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि सुपर इम्पोजिशन क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजिशन क्या होता है। अगर सुपर इम्पोज हो रही है इमेजेस तो इसका मतलब वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, नहीं हो रही तो असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, फाइन। अब मान लीजिए आपके सामने स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे ऐसे सिर्फ सब्सटेंस रखा हुआ है और पूछा जाए बताइए ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। अब आप क्या करेंगे? तो उसका पता लगाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट का नाम है पोलैरिमीटर। वो यहाँ पे मैं शो करता हूँ आपको, मॉडिफाई होता है ये आजकल तो ऐसा हो गया है, नहीं तो उससे पहले तो बहुत पुराने टाइम में तो काफ़ी लंबा हुआ करता था, उसके बाद थोड़ा सा कंसाइज हुआ और अब तो देखिए बहुत बिल्कुल छोटा हो गया। डिजिटल पोलैरिमीटर है ये, करेक्ट। अब इस पोलैरिमीटर से भी हम पता लगा सकते हैं कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। नहीं होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अभी हम ये पता लगा रहे हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, यानी उसमें असिमेट्री है या नहीं है, या उसमें कायरल कार्बन है या नहीं है। कैसे? देखिए, आपके सामने जो सब्सटेंस दिया हुआ है उसको आप एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कीजिए। डिसॉल्व कर देने के बाद उसको, ये जो ट्यूब आपको नजर आ रही है, राइट, ये जो ट्यूब आपको नजर आ रही है, इस ट्यूब में उस सॉल्यूशन को भर दिया जाता है। अब इसी ट्यूब के अंदर ऑर्डिनरी लाइट भी होती है, उसके आगे निकोल प्रिज्म भी लगा होता है, उसमें से जो लाइट निकल के बाहर आती है वो प्लेन पोलराइज लाइट ही होती है, और वो प्लेन पोलराइज लाइट ही इसमें से ट्रेवल करती है और आपको नजर आती है। नॉर्मली जो पुराने होते थे उसके अंदर आईपीस होता था, इसमें आईपीस नहीं है, इसमें सीधी वैल्यूज आपको देखने को मिलती है। तो उस जो पुराना सिस्टम होता था उसमें क्या होता था, उसके अंदर ये बल्ब हो गया, बल्ब से जो लाइट जा रही है वो ऑर्डिनरी लाइट है, उसके ऑसिलेशन सभी प्लेन में। जब हम उसको निकोल प्रिज्म में से पास कर देते हैं तो अब उसके जो वाइब्रेशंस हैं या ऑसिलेशंस हैं वो एक ही प्लेन में आ जाते हैं। अब इस PPL को, प्लेन पोलराइज लाइट को, आप ऐसे सॉल्यूशन में से पास करें, वो सॉल्यूशन जहां आपने यहां भरा है, या वो सॉल्यूशन उस कंपाउंड का सॉल्यूशन है जिस कंपाउंड के बारे में हम ये चेक करना चाहते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, उस सॉल्यूशन को आप यहां ले लीजिए और उसमें से ये लाइट पास कीजिए। उसमें से अगर ये लाइट पास होगी और इस तरफ जब आप उसको देखेंगे आईपीस में, तो ये किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर मुड़ जाएगी, और अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट जो सीधे जा रही थी किसी एक एंगल पर डेविएट हो जाती है तो समझ जाइए अंदर रखा गया कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि उसने PPL प्लेन पोलराइज लाइट को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बेंड कर दिया है। वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव वो तभी हो सकता है जब वो असिमेट्रिकल हो, और असिमेट्रिकल वो तभी हो सकता है जब उसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट हो। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो सामने वाला कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है और उसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट है, तभी उसने प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट किया। अब आपने प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वही क्यों ली, ऑर्डिनरी लाइट ही पास कर लेते, ऑर्डिनरी लाइट में जो वाइब्रेशन है वो सभी डायरेक्शन में है, तो रोटेशन किस डायरेक्शन में हुआ है आप जज ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमने ऐसी लाइट प्रेफर करी जिसके ऑसिलेशन सिंगल प्लेन में है, और ये इंस्ट्रूमेंट आज भी यूज में किया लिया जाता है, आज भी यूज किया जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट की कीमत आज के टाइम में लगभग 2.5 लाख रुपीज है। इसकी यूटिलिटी क्या है? इसकी यूटिलिटी ये कि इसकी मदद से आप ये भी पता लगा सकते हैं कि सामने वाला जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, नंबर वन। नंबर टू, अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो कौन सी फॉर्म है,
डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लेवर रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कौन होगा, जो लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड रोटेट कर देगा, डेक्स्ट्रो का मतलब राइट हैंड साइड। और सब्सटेंस अगर उसको लेवर रोटेटरी है, सब्सटेंस अगर लेवर रोटेटरी है तो वो इस लाइट को लेफ्ट हैंड साइड रोटेट कर देगा। तो मतलब इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप ये भी पता लगा सकते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है सामने वाला सब्सटेंस, और साथ ही साथ अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लेवर रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो राइट हैंड साइड अगर लाइट बेंट हो रही है तो डेक्स्ट्रो, लेफ्ट हैंड साइड हो रही है तो लेवो। कितने एंगल पर वो रोटेट हो रही है उसको हम स्पेसिफिक रोटेशन कहते हैं, और उसकी एक अलग कैलकुलेशन है जो अभी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हाँ, लेकिन ये कैलकुलेशन की जाती है कि एक पर्टिकुलर लाइट कितने एंगल पर बेंट होती है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने ज्यादा होंगे लाइट उतनी ज्यादा एक पर्टिकुलर एंगल पर बेंट होगी, यानी कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी एंगल में जो डेविएशन आएंगे वो उतने ही ज्यादा आएंगे। यानी कि जो लाइट मूव कर रही है, बेंट हो रही है, उसमें पूरा पूरा रोल इस सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनकी वजह से हो रहा है। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका भी अपना एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। और जो लाइट आ रही है उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस ये इलेक्ट्रिक फील्ड उन मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उससे इंटरैक्ट करता है, और इसी इंटरैक्शन की वजह से लाइट में ये बेंट आता है। फाइन, इससे ज्यादा हम यहां डिटेल लेंगे नहीं क्योंकि इससे ज्यादा डिटेल आपको रिक्वायर्ड भी नहीं है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि अगर अंदर सब्सटेंस पोलर सब्सटेंस अगर प्रेजेंट है, हाईली पोलर सब्सटेंस प्रेजेंट है, तभी तो पोलैरी मीटर कह रहे हैं। अब पोलर सब्सटेंस प्रेजेंट है, केवल यही काफी नहीं है कि लाइट रोटेट हो जाएगी, पोलर होने के साथ साथ वो कायरल भी होना चाहिए। कई सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो पोलर होते हैं लेकिन कायरल नहीं होते, जैसे लेट्स से CH2Cl2 की यदि हम बात करें तो इसका म्यू कभी जीरो नहीं होगा क्योंकि सारे आइटम्स एक जैसे नहीं है, तो इसका म्यू नॉन जीरो है, करेक्ट। नंबर वन, इस फैक्ट के बावजूद ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि इसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है। तो ध्यान रखिए यहां पे केवल पोलर होना ही काफी नहीं है, पोलर होना वन ऑफ द कंडीशंस, लेकिन पोलर के साथ साथ कायरल सेंटर होना भी जरूरी है। CH2Cl2 यहां पे कोई रोटेशन नहीं देगा, उसमें पोलैरिटी है, कम पोलैरिटी है, लेकिन उसमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्री प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई CCl4 नहीं देगा। अब मैं कहूं कार्बन से एक तरफ H, एक तरफ Br, एक तरफ CH3, एक तरफ C2H5, क्या ये देगा? तो आंसर ये कि यस ये देगा, यहां पे रोटेशन आएगा। क्यों? दोनों शर्तें पूरी हो रही है। नंबर वन, म्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, वो तो तय है ही है, और दूसरा असिमेट्रिकल कार्बन है, कायरल कार्बन प्रेजेंट है। तो यहां रोटेशन देने के लिए आपका मॉलिक्यूल पोलर तो होना ही चाहिए, साथ साथ उसमें कायरलिटी भी होनी चाहिए, असिमेट्री होना बहुत जरूरी है। फाइन, अब ये रोटेशन क्यों आते हैं? क्योंकि असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स और आने वाली जो लाइट है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इनके बीच के इंटरेक्शंस की वजह से ये डेविएशंस आते हैं। बस आप अभी इतना ध्यान रख सकते हैं, इतने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी इस वक्त जरूरी नहीं है। फाइन, चले आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए, अब यहां पे यदि हम बात करें तो यहां पे एक लाइन लिखी है, द मॉलिक्यूल्स विच आर नॉन सुपरइम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज आर कायरल मॉलिक्यूल्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कायरलिटी। जो मैंने अभी आपको बताई सेम थे दोनों मॉलिक्यूल्स, एग्जैक्टली राइट, स्ट्रक्चर देखे तो सेम, नेम देखे तो सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट अलग होते हैं। अभी आगे और डिटेल्स आएंगी। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कायरल मॉलिक्यूल्स और फिनोमिना या प्रॉपर्टी को कायरलिटी कहते हैं। इसके बाद द मॉलिक्यूल्स विच आर सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेजेस आर कॉल्ड अ कायरल मॉलिक्यूल्स। वो ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं होते लाइट पर, प्लेन पोलराइज लाइट पर उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आगे चलें, the chiral compounds rotate the PPL plane polarized light when it is passed through their solutions and such compounds are called optically active compounds. Done. The angle by which the PPL is rotated is measured by an instrument called polarimeter, जो की बात मैंने अभी आपको बताई। If the compound rotates PPL to the right clockwise direction, it is called dextro rotatory. And ये रहा symbol, D form से आप उसको show कर सकते हैं, D for dextro, small d, ध्यान रखिए capital D के meanings अलग होते हैं, small d, D form and is indicated by placing positive sign। मतलब कि अगर आपको dextro rotatory बताना है तो आप केवल small d लिख सकते हैं तो भी dextro rotatory हो जाता है, और plus sign भी अगर use करते हैं तो भी वो dextro rotatory के लिए ही use होता है। Similarly उल्टा अगर हम बोलें तो lever rotatory कहेंगे, anti clockwise movement होगा light का, right? And negative sign से हम इसको represent कर सकते हैं। ये बात भी हमारी हो गई है। सच पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। बिल्कुल ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाएंगे। दोनों मिरर इमेजेस थी, दोनों जो दो मिरर इमेजेस अभी हमने आपको बताई कायरल कार्बन की जो मिरर इमेजेस थी उन कंपाउंड्स की, उनमें से एक सब्सटेंस जो है जब पोलरीमीटर में आप उसका सोल्यूशन रखेंगे तो एक सब्सटेंस राइट को, जो लाइट है उसको राइट हैंड साइड रोटेट कर सकता है, तो दूसरा सब्सटेंस जो है जो उसके मिरर इमेज वाला सब्सटेंस है वो उसको लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेगा। अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल सेम है तो जो रोटेशन आएगा राइट और लेफ्ट में उसका वैल्यू भी बिल्कुल सेम आएगा।
और या फिर कंसंट्रेशन अगर आपने कम ज्यादा कर दी, मान लीजिए डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाला जो वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो उसके अंदर पॉजिटिव साइड पर जो एंगल का जो डेविएशन आएगा वो ज्यादा आएगा, जबकि जो लिवर रोटेटरी है उसमें डेविएशन कम आएगा। तो ये ध्यान रखिए, डी फॉर्म और जो एल फॉर्म, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवर रोटेटरी, लाइट को रोटेट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। फाइन, अब कितना रोटेट करेंगे, मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि दोनों की कंसंट्रेशन क्या है। जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उस तरफ ज्यादा रोटेशन माना जाएगा। फाइन, अगर दोनों की कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम है तो एंगल ऑफ रोटेशन जो आएगा, जिसे हम स्पेसिफिक रोटेशन भी कह सकते हैं, वो बिल्कुल सेम आता है। फाइन, वही बात यहां पर लिखी हुई है। Such positive and negative isomers of compounds are called optical isomers, and the phenomena is termed as optical isomerism. Optics क्यों word use हुआ, शायद आपको समझ में आ गई होगी बात। Now, the optical isomerism that are non-superimposable mirror images of each other are called enantiomers. और अभी जो मैंने mirror images आपको सामने बताई थी, correct? उन दोनों mirror images को हम कहते हैं enantiomers. यानी अब आपसे कोई बोले कि what are enantiomers, तो सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि ये एक isomers से related कोई question है। दूसरी चीज, कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट नहीं है, आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म में सोचना है। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो पार्ट, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल में आता है सेजोट्रांस, उसको भूल जाइए। ऑप्टिकल में आता है डी फॉर्म और एल फॉर्म। और यहां पे जो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एनेंशियोमर्स, राइट, डायस्टीरियोमर्स, एनेंशियोमर्स, मेसोफॉर्म्स, ये जो नाम आपको देखने को मिलते हैं, ये सब आपको मिलेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। उसके अंदर सबसे पहला नाम आप सीख चुके हैं, एनेंशियोमर्स। मतलब एनेंशियोमर्स मतलब क्या, एनेंशियोमर्स मतलब आप बताएंगे एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट है। अभी एक ही कार्बन की बात कर रहे हैं जो कि कायरल है, चेन लंबी हो सकती है, एक से ज्यादा कायरल एटम्स भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हम एक पे फोकस कर रहे हैं। तो ऐसा कोई सब्सटेंस जिसमें एक कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है, करेक्ट, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा। और उसकी एक फॉर्म और होगी, वो कौन सी होगी हमें बताइए, तो आप ऑन पेपर कैसे बताएंगे, उसकी जस्ट मिरर इमेज बना के बता देंगे सामने, और आप कहेंगे कि जो उसकी मिरर इमेज है सामने वो इसकी दूसरी फॉर्म है। एक डी फॉर्म है और एक एल फॉर्म है। ये दोनों फॉर्म जो है, इन दोनों फॉर्म को ही हम कहते हैं इनेंशियोमर्स। यानी इनेंशियोमर्स एक पेयर है ऐसे मॉलिक्यूल्स का जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, लेकिन एक दूसरे पे नॉन सुपरइम्पोजिबल है। क्यों? क्योंकि उनमें असिमेट्री है। और असिमेट्री क्यों है? क्योंकि उनमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है। ओके, नाउ तो ये कहलाते हैं इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स हैव आइडेंटिकल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो इनेंशियोमर्स होते हैं इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है, लेकिन इन अ कायरल एनवायरमेंट। ये जो मैंने ग्रीन किया है ना, हाईलाइट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जो कहानी मैंने स्टार्टिंग में सुनाई थी उसका जवाब अभी आपको और आना बाकी है। ध्यान रखिए, जो भी अभी आपके सामने एनेंशियोमर्स मैंने बताए, मैं कहूं इन दोनों एनेंशियोमर्स जो हमने बनाए थे, जो मिरर इमेजेस बनाई थी, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आप कहेंगे सेम। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, IUPAC सेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिएक्टिव इंडेक्स सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, लेकिन कंडीशनल सेम होगी यदि जिस एनवायरमेंट में आप इनको स्टडी कर रहे हैं वो एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए, अकायरल होना चाहिए। अकायरल अगर एनवायरमेंट है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, लेकिन अगर एनवायरमेंट कायरल हुआ तो फिर इनकी प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। मैं फिर बोलता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई है, इनकी एनेंशियोमर्स की सभी चीजें सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, लेकिन एनवायरमेंट अकायरल होना चाहिए। अगर एनवायरमेंट कायरल हुआ तो फिर इनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती है। और ह्यूमन बॉडी जो है उसके अंदर मैक्सिमम अकायरल मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट हैं। कैसे, मैं आपको एक जवाब दे देता हूं, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उन्हें तो शायद समझ में आ जाएगा। जितने भी अमीनो एसिड्स हैं, 20 जो अमीनो एसिड्स हैं, उसमें से एक ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है, उसके अलावा फर्स्ट वाला ग्लाइसिन, उसके अलावा बाकी सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं। अब अमीनो एसिड्स अगर सारे ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब उनमें असिमेट्री प्रेजेंट है, और अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तभी प्रोटीन्स बनते हैं, और प्रोटीन्स तो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। तो मैं तो एक एग्जांपल से आपको बताया कि ह्यूमन बॉडी इज फुल ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स। तो ये जो फॉर्म्स है ना, इनेंशियोमेरिक फॉर्म्स जो है, राइट, ये फॉर्म्स अकायरल एनवायरमेंट में तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होगी, लेकिन कायरल एनवायरमेंट में इनकी इनेंशियोमर्स की प्रॉपर्टीज बदल जाती है। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी बदल सकती है? देखिए, बहुत सारी प्रॉपर्टीज में चेंज आ सकता है। बायो अवेलेबिलिटी में चेंज आ सकता है। अगर ये मान लीजिए किसी ड्रग्स के ऊपर आप बात कर रहे हैं, कोई ड्रग है, कोई मेडिसिन है, ड्रग है, उसके अगर दोनों फॉर्म की आप बात करें, इनेंशियोमर्स की बात करें, डी फॉर्म और एल फॉर्म की बात करें, तो वो जो ड्रग्स है उनकी काफी सारी प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ सकता है, जैसे कि बायो अवेलेबिलिटी, राइट, पोटेंसी, टॉक्सिसिटी, या फिर मेटाबॉलिक रेट, इनमें कई सारे डिफरेंस आ सकते हैं। कोई एक जो आइसोमर है, इनेंशियोमर, जो कोई एक इनेंशियोमर है वो हो सकता है ज़्यादा पोटेंशियल हो किसी चीज़ को ट्रीट करने के लिए, हो सकता है वो ज़्यादा टॉक्सिक हो सकता है उसके कारण, एक के कारण मेटाबॉलिक रेट तेज होती हो, एक के कारण धीरे होती हो, या फिर हो सकता है बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी मतलब कितना जल्दी से जिस जगह हमें टारगेट करना है इस ड्रग को वहां पहुंचते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि एक आप मेडिसिन लीजिए डायरेक्ट पानी के साथ लीजिए, और एक सीधा इंजेक्ट करवाइए, तो इंजेक्ट के थ्रू बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, इंजेक्शन के थ्रू। क्यों? क्योंकि वो सीधी ब्लड स्ट्रीम में जाके मिलती है, तो उसे बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं।
तो ये जो एनेंशियोमा जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ ना, वो ह्यूमन बॉडी में तो अलग अलग तरीके से रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करने का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। किन टर्म्स में? मेटाबॉलिक रेट में डिफरेंट हो सकता है, टॉक्सिसिटी में डिफरेंट हो सकता है, पोटेंसी में डिफरेंट हो सकता है, बायो अवेबिलिटी में भी डिफरेंस हो सकता है। इसीलिए कोई एक आइसोमर डिप्रेशन को अगर ठीक करता है तो वही कंपाउंड का दूसरा आइसोमर उससे 30 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर भी हो सकता है, 30 टाइम्स ज्यादा वीकर भी हो सकता है। मतलब सेम कंपाउंड है, नाम भी सेम, स्ट्रक्चर भी सेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम, एक केमिकल एनवायरनमेंट में या कायरल एनवायरनमेंट में इनकी प्रॉपर्टीज इतनी बदल जाती है कि एक दूसरे से 30-40 टाइम्स पोटेंसी में चेंज आ जाता है। ऐसा है, और जो बात मैंने आपको कहानी शुरू की थी उस कहानी में भी यही हुआ था। जो ड्रग दे दी गई थी थैलिडोमाइड, राइट, वो ड्रग के अंदर दोनों फॉर्म्स प्रेजेंट थी, डी फॉर्म भी प्रेजेंट थी और एल फॉर्म भी प्रेजेंट थी। और ये जो दोनों फॉर्म थी, हम डी और एल की बजाय हम ये कहते थे कि दोनों कॉन्फ़िगरेशन या दोनों एनेंशियोमर्स वहां पे प्रेजेंट थे। इन दोनों एनेंशियोमर्स के थ्रू जब उन फीमेल्स ने ये ड्रग लिया तो इनमें से एक फॉर्म तो इफेक्टिवली मॉर्निंग सिकनेस को ट्रीट कर रही थी, लेकिन जो दूसरी फॉर्म प्रेजेंट थी वो एज अ टॉक्सिक ड्रग काम कर रही थी, और उसी की वजह से डिफॉर्मेशन हुए। इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि अगर डी और एल फॉर्म सेम कंपाउंड की साथ साथ प्रेजेंट है, या ये दोनों एनेंशियोमेरिक फॉर्म साथ साथ प्रेजेंट है, तो इनको अलग करना बहुत जरूरी है। और इनको अलग करने की बहुत सारी टेक्निक्स है, एक कायरल क्रोमेटोग्राफी भी है जिसके थ्रू इनको अलग किया जा सकता है। तो अलग करने से पहले पहचाने तो सही कि दोनों साथ में प्रेजेंट है या नहीं है, और है तो कौन कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, उसके बाद इनको अलग किया जा सकता है। दैट्स व्हाई वो प्रॉब्लम हुई थी, और उसके बाद से इस तरफ काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क्स किए गए। और आज के टाइम में आप देख ही रहे हैं डिजिटल पोलैरिमीटर की यूटिलिटी अब क्या होगी, वो शायद आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप काफ़ी सारा आइडिया लगा सकते हैं एनेंशियोमर्स के बारे में। ओके, सो ये बात जो मैंने अभी आपको बताई वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। एनेंशियोमर्स हैव आइडेंटिकल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज इन अ कायरल एनवायरमेंट, दे डिफर विद रेस्पेक्ट टू द रोटेशन ऑफ पीपीएल एंड इंटरेक्ट विद अदर कायरल मॉलिक्यूल्स डिफरेंटली। जो बात मैंने आपको बोली है वो कायरल मॉलिक्यूल्स ना डिफरेंटली एक्ट करते हैं, राइट। इफ वन ऑफ द एनेंशियोमर इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी द अदर विल बी लेवर रोटेटरी, ये बात भी मैंने आपको बोल दी। अगर एक लाइट को राइट हैंड साइड रोटेट करता है तो उसी सब्सटेंस का जो दूसरा एनेंशियोमर होगा वो उस लाइट को लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेगा। कंसंट्रेशन दोनों की सेम है तो मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन भी सेम आएगा। उसके बाद अ मिक्सचर कंटेनिंग टू एनेंशियोमेरिक फॉर्म्स इन इक्वल प्रोपोर्शन इज नोन एज रैसिमिक मिक्सचर और रैसिमेट और रैसिमिक मॉडिफिकेशन। और यदि आप ये जो दो फॉर्म्स हैं डी फॉर्म और एल फॉर्म जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, राइट, अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए, मान लीजिए मार्केट में अलग अलग अवेलेबल है, आप मार्केट में जाएं और आप बोल सकते हैं हमें डी फॉर्म चाहिए इस सब्सटेंस की, एल फॉर्म चाहिए केमिस्ट की शॉप पर, तो आपको अलग अलग फॉर्म दे दी जाएगी, क्योंकि दोनों की यूजेस मैंने अभी आपको बता दिए, इम्पैक्ट्स भी मैंने आपको बता दिए। तो पॉइंट ये है कि अगर ये दो फॉर्म आप लेकर आए और इन दोनों फॉर्म को आपने इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स कर दिया, तो ये बात होता है कि मिक्सर बन गया है। अभी जो मिक्सर बनाए ये मिक्सर कहलाता है रेसेमिक मिक्सर, नंबर वन, लेकिन शर्त ये कि इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करना है। अब रेसेमिक मिक्सर की क्या खास बात है? देखिए, रेसेमिक मिक्सर जो होगा ना वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, मतलब कि रेसेमिक मिक्सर को यदि आप पोलरीमीटर में रखकर एंगल ऑफ रोटेशन निकालने की कोशिश करेंगे ना, तो शायद आप समझ गए होंगे रोटेशन जीरो आएगा। अब रोटेशन जीरो क्यों आएगा? क्योंकि इसी के अंदर दोनों एनेंशियोमर्स प्रेजेंट है, मतलब डी फॉर्म भी प्रेजेंट है, एल फॉर्म भी प्रेजेंट है। डी फॉर्म का अमाउंट भी उतना ही है जितना एल फॉर्म का अमाउंट है। अब डी फॉर्म अगर लाइट को एक पर्टिकुलर एंगल पर रोटेट करता है, राइट हैंड साइड एक पर्टिकुलर एंगल पर, तो जो एल फॉर्म है सेम अमाउंट में है, वो उसको उतना ही लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करने की कोशिश करेगी, तो उसे वो घुमाकर वापस उसी पोजीशन पर ले आएगी जिस पोजीशन से डेक्स्ट्रो रोटेटरी ने उसको रोटेट किया था। यानी कि रेसेमिक मिक्सचर में यदि डी फॉर्म और एल फॉर्म दोनों प्रेजेंट है, तो डी ने अगर 10 डिग्री रोटेट किया राइट हैंड साइड में, तो L फॉर्म उसको 10 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड पर रोटेट करेगी, लेकिन वो 10 डिग्री यहां पे पहुंच चुका है, और इसे जब 10 डिग्री वो लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेगी तो वापस वो यहां पे आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर कोई चेंज नहीं आएगा। यानी पोलैरिमीटर में ये भी हो सकता है कि अगर कोई एंगल पे रोटेशन नहीं आ रहा है तो दो बातें हो सकती है, एक सामने वाली स्पीशीज ऑप्टिकली इनएक्टिव हो इस वजह से कोई इफेक्ट ही ना पड़ा, या फिर सामने वाली स्पीशीज रेसेमिक मिक्सचर भी हो सकता है, क्योंकि रेसेमिक मिक्सचर में डी और एल फॉर्म इक्वल प्रोपोर्शन में अगर है तो भी वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, और लाइट या जो लाइन है या पीपीएल जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट बाहर आएगी, और उसमें किसी भी टाइप के डेविएशन नहीं होंगे या किसी भी एंगल पे वो रोटेट नहीं होगी। तो ये रेसेमिक मिक्सचर की एक प्रॉपर्टी हो गई। उसके बारे में यदि हम देखें तो यहां पर देखें, मिक्सचर कंटेनिंग टू एनेंशियोमर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन इज नोन एज रेसेमिक मिक्सचर और रेसेमेट और रेसेमिक मॉडिफिकेशन। कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, रेसेमिक मिक्सचर हैव जीरो ऑप्टिकल रोटेशन बिकॉज
रोटेशन ड्यू टू वन आइसोमर विल बी कैंसिल आउट बाय द रोटेशन ड्यू टू अदर आइसोमर, ये बात मैं अभी आपको बोल चुका हूं। उसके बाद अरेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव रिप्रेजेंटेड बाय प्रीफिक्सिंग पॉजिटिव नेगेटिव बिफोर द नेम ऑफ द कंपाउंड। देखिए जैसे कोई भी रेसिमिक मिक्सचर है, मान लीजिए लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड भी एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। लैक्टिक एसिड आप जानते हैं मिल्क में प्रेजेंट होता है COH, CH3H और OH, COH, CH3H और OH, ये लैक्टिक एसिड है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। अब लैक्टिक एसिड का रेसिपिक मिक्सचर अगर आप बनाएं, राइट, तो इसकी डी फॉर्म और एल फॉर्म इक्वल प्रोपोर्शन में आपको मिला देनी है। डी और एल फॉर्म कौन से होते हैं? इनेंशियोमर्स ही होते हैं, करेक्ट, मिरर इमेजेस होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, सारी बातें मैं बोल चुका हूँ, फाइन। अब अगर आपको ये बताना है मार्केट में कि आपको रेसिमिक मिक्सचर चाहिए लैक्टिक एसिड का, डेक्स्ट्रो फॉर्म चाहिए या लिवो फॉर्म चाहिए, तो सिंपल है बिल्कुल, कैसे पहचानेंगे? यहां देखिए, अगर लैक्टिक एसिड लिखा हुआ है और उसके आगे ये लगा हुआ है तो शायद आप समझ गए होंगे कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म है। अगर इसके सामने ये लगाए तो आप क्या समझे? ये लिवो रोटेटरी फॉर्म है। और मान लीजिए जो रिएजेंट बॉटल है उसके ऊपर ऐसे लिखा हुआ है और सामने लैक्टिक एसिड लिखा है तो आप क्या समझेंगे? अब आप समझेंगे कि ये जो लैक्टिक एसिड है, ये लैक्टिक एसिड एक रेसिमिक मिक्सचर है क्योंकि इसमें डी और एल फॉर्म दोनों प्रेजेंट है। तो हम इस तरीके से रेसिमिक मिक्सचर को शो कर सकते हैं, ये एक डेक्स्ट्रो फॉर्म हो गई, ये एक लिवो फॉर्म हो गई। ओके, नाउ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनेंशियोमर इनटू रेसिमिक मिक्सचर इज नोन एज रेसिमाइजेशन, करेक्ट। यानी कि किसी भी एनेंशियोमेरिक फॉर्म को यदि आप रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट कर देते हैं तो यह फिनोमेना कहलाता है रेसिमाइजेशन। जैसे कोई एक एनेंशियोमेरिक फॉर्म आपके पास है, डी फॉर्म आपके पास है, करेक्ट, उसके अंदर मान लीजिए 100% आपके पास डी फॉर्म है, उसके अंदर 80% एल फॉर्म मिली भी तो अभी ये रेसिमिक मिक्सचर नहीं कहलाएगा क्योंकि जो डी फॉर्म है वो 100% है और जो एल फॉर्म है वो 80% है। तो आप 20% और एल फॉर्म इसमें मिला देंगे और अब दोनों का अमाउंट सेम हो जाएगा और अब जो मिक्सचर बनेगा वो रेसिमिक मिक्सचर होगा। आप समझ गए ना? मान लीजिए जो भी सॉल्यूशन आपने बनाया, जो भी कॉन्सेंट्रेशन आपने प्रिपेयर की है, वो कुछ इस तरीके से कर दीजिए कि दोनों जो डी और एल फॉर्म है दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाए तो अब जो मिक्सचर आपके सामने आएगा वो रेसिमिक मिक्सचर होगा और ये फिनोमेना कहलाता है रेसिमाइजेशन क्योंकि एनेंशियोमर्स को मिलाकर आपने ये मिक्सचर बनाया है और इसको हम एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन भी कहते हैं। एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन आप समझ गए, ये कोई केमिकल की इंटरनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये जो मिक्सचर है आप बाहर से डी फॉर्म और एल फॉर्म को मिलाकर एक्सटर्नली अवेलेबल है ये तो इन दोनों को मिलाइए इक्वल मैग्नीट्यूड में, अब जो मिक्सचर बनता है उसे हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं और फिनोमेना रेसिमाइजेशन कहलाता है। और इस रेसिमाइजेशन को हम एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन भी कह सकते हैं क्योंकि ये काम मैनुअली बाहर से दो सब्सटेंस को मिलाकर किया जा सकता है, दैट्स व्हाई। ओके गाइस, तो आज तो हम इतनी बात को अपना रोकते हैं, अगली क्लास से हम जो शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे RS एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन। RS एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, आज के लिए इतना ही है। आप इसी को बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और जब ये अच्छे से आप रिवाइज करके रखेंगे तब आपको आगे की बातें भी और समझ में आएंगी। उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में शुरू होगा जो कि मेन हमारी हेडिंग थी, लेकिन उसके पहले हमें ये सारी चीजें सीखना जरूरी है। तो मैं स्क्रॉल करता हूं, आप चेक कीजिएगा, पहले सारा देख लें उसके बाद बात करते हैं। यहां से शुरू करेंगे, तो गाइज आई होप आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। आज की जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, यू आर पेड नॉट फॉर योर टाइम बट फॉर योर वैल्यू। इसलिए गाइज अपनी वैल्यू बढ़ाइए क्योंकि हार्डवर्क करने का टाइम तो सबके पास सेम है, फिर भी किसी को लाखों रुपए मिलते हैं, किसी को हजारों मिलते हैं, किसी को करोड़ों मिलते हैं और किसी को कुछ भी नहीं मिलता, करेक्ट। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट है केवल 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 मेहनत करना ही सब कुछ नहीं है, साथ ही साथ आपको अपनी वैल्यू भी बढ़ानी होगी क्योंकि जो असली बात है वो आपकी वैल्यू में छुपी हुई है। आपका जो पेमेंट है, आपकी जो अर्निंग है, आपकी जो ग्रोथ है वो आपकी वैल्यू में छुपी हुई है। इसलिए गाइज अपनी वैल्यू को बढ़ाइए, उसके लिए काफी हार्ड वर्क कीजिए क्योंकि वैल्यू बढ़ेगी तो ही फ्यूचर में आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, करेक्ट। केवल केवल हार्डवर्क से कुछ नहीं होगा। ओके गाइज, तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, गुड बाय।